वेलकम बैक गाइस टू अनदर स्पीड टेस्ट एंड कंपैरिजन वीडियो। तो आज मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A26 5G और साथ में मेरे पास पिक्सल 7 5G वाला मॉडल। तो आज हम इन दोनों का डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं कि इन दोनों फ़ोन्स में से बेहतर कौन सा है और कौन सा फ़ोन अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है। तो दोनों ही फ़ोन्स को हम जल्दी से बूट अप कर लेते हैं। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो A26 पाकिस्तानी मार्केट में राइट नाउ 72,000 का 8128 वाला वेरिएंट देखने को मिल रहा है, और अगर हम पिक्सल 7 की बात करें तो वो भी इतने तक का ही हमें ऑफिशियल पीटीएम में पाकिस्तानी में मार्केट में देखने को मिल रहा है। पिक्सल 7 यहाँ पे बूट अप हो चुका है, ऑल दो यहाँ पे पिक्सल 7 बहुत ही फ्लैगशिप फीचर्स प्रोवाइड करता है हमें। A26 हमें मिड रेंज वाले फीचर्स प्रोवाइड करता है, A26 भी ऑलरेडी हमें क्या कहते हैं बूट अप हो चुका है। ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम स्पीड टेस्ट को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। सो यहाँ पे हम वाईफाई को ऑफ़ कर लेते हैं, कुछ ऐप्स हम वाईफाई के बिना ओपन करेंगे ताकि अच्छी सी परफॉर्मेंस हमें पता चल सके दोनों ही मोबाइल्स की। सो यहाँ पे सबसे पहले हम कुछ सिस्टम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। तो मैं आपको मॉडल नंबर्स दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो पिक्सल 7 यहाँ पे अराउंड एंड्रॉयड 14 पर अपडेटेड है, एंड्रॉयड 15 और 16 की अपडेट नहीं की, और वन यू आई 7 चल रही है 26 में, तो आउट ऑफ द बॉक्स है। सबसे पहले फ़ोन डायलर, अगेन यहाँ पे दोनों आइडेंटिकल हैं, बाकी यहाँ पे दोनों ही फ़ोन मक्खन की तरह स्मूथ हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैसेजेस, अगेन यहाँ पे पिक्सल 7 इज़ स्लाइटली फास्टर। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं भाई कैमरा, तो यहाँ पे A26 इज़ स्लाइटली फास्टर ऐप ओपनिंग में। स्विचेज़ में चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे पिक्सल 7 अगेन स्विच में पिक्सल 7। सो यहाँ पे आप देख सकते हो पिक्सल 7 इज़ स्लाइटली फास्टर है स्विच कैमरा स्विचेस में। तो अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो यहाँ पे 4K 30fps तक की A26 में वीडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिलती है फ्रंट एंड बैक पे, और जो पिक्सल 7 है यहाँ पे 4K 60fps तक की फ्रंट एंड बैक पे रिकॉर्डिंग देखने को मिल गई है दोनों में। तो आप यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग में पिक्सल 7 को स्लाइटली एज है यहाँ पे। तो अगर हम इन दोनों फ़ोन्स की हार्डवेयर की बात करें, मतलब इनका जो प्रोसेसर की बात करें, तो पिक्सल 7 यहाँ पे ऑफ़र करता है हमें 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड टेंसर G2 चिप, और यहाँ पे जो यहाँ पे हमारे पास A26 है ये 1380 एग्जाइनस वाला ऑफ़र करता है क्योंकि ये ग्लोबल मॉडल है, 5 नैनोमीटर के ऊपर बेस्ड है। माली G68 MP5 प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें, और जो पिक्सल 7 है माली G710 MP7 वाला लगा हुआ फ्लैगशिप प्रोसेसर है। बाकी यहाँ पे मुझे नहीं लगता कोई डिफरेंस होने वाला है, बाकी आल दो हम चेक करेंगे हर चीज़ एक एक करके। तो यहाँ पे ज़ैपे ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन का थोड़ा सा मुझे लगता है कि होगा क्योंकि गूगल की ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा है सैमसंग से। तो बाकी यहाँ पे सैमसंग भी ऑप्टिमाइजेशन में बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे सैमसंग नाउ स्लाइटली फास्टर। तो हम डिफरेंट ऐप्स वगैरह ओपन करके चेक करेंगे आज। तो यहाँ पे नेटवर्किंग का भी बहुत ज़्यादा रोल है यहाँ पे, तो कौन सा फ़ोन कितना अच्छा है नेटवर्किंग में, तो यहाँ पे ये भी आइडिया हो जाता है। यहाँ पे पिक्सल 7 ने जल्दी ओपन कर लिया है, ऑल दो यहाँ पे इंटरनेट इतना घटिया आ रहा है यकीन माने किसी नहीं काम का है, फिर भी पिक्सल 7 ने यहाँ पे पकड़ लिया है, ओपन कर लिया है, इतना ही काफ़ी है। सैमसंग ने अभी तक कोई चीज़ ओपन नहीं की, मतलब इसका मतलब है कि सैमसंग नेटवर्किंग में थोड़ा सा स्लो है। सो यहाँ पे इसको क्लोज़ कर देते हैं, तो इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं। मुझे एक तो ऐप्स नहीं देखने को मिल रहे होते, तो यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं डेड ट्रिगर, इसमें किधर गई। तो पिक्सल 7 का मैंने गेमिंग रिव्यू भी कर लिया है, इंशाल्लाह वो भी मैं एक दो दिन तक अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के ऊपर पबजी का। सो आप अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं अपलोड करूं आपको सबसे पहले देखने को मिलता रहे। दोनों ही आइडेंटिकल हैं इसमें। इसके बाद हम इंस्टाग्राम ओपन कर लेते हैं, अगेन यहाँ पे A26 स्लाइटली फास्टर कह सकते हो। अभी यहाँ पे लोडिंग में भी देखते हैं प्रोफाइल लोडिंग में कौन सा फ़ोन पहले हो जाता है ओपन करता है। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं किया हुआ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मुझे लगता है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी वहाँ पे भी अच्छी सी अच्छी। सो यहाँ पे इंटरनेट मेरा जो है वो बहुत ही ख़राब आ रहा है यार, यकीन माने पता नहीं क्या हुआ इंटरनेट को। एक्चुअली बारिश हो रही थी जिसकी वजह से इंटरनेट आ नहीं रहा था, हालांकि स्ट्रॉन्ग फाइबर का लगा हुआ है। सो छोड़ देते हैं, आप देख लें कितनी मुश्किल से मैं वीडियोज़ अपलोड करता हूँ आपके लिए। पिंटरेस्ट, इसके बाद आई थिंक सो वाईफाई ऑफ कर देता हूँ क्योंकि इससे फिर ऐप्स बहुत इफेक्ट होते हैं, ओपनिंग लेट होते हैं। तो दोनों आइडेंटिकल कह सकते हो। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं सर्वे सरफा। सो यहाँ पे
आप देख सकते हो, आई थिंक सो 826 है, यस 826 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद टिकटॉक, अगेन यहाँ पे पिक्सल 7 नाउ स्लाइटली फास्टर। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं टैमू, अगेन यहाँ पे 826 लोडिंग में, बहुत जल्दी लोडिंग कर लिया है। स्पॉटिफाई अगेन 26, इसके बाद इसको क्लोज कर देते हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं टेम्पल रन, तो यहाँ पे आई थिंक सो 826 होने वाला है। नो, यहाँ पे ए पिक्सल 7 ने स्लाइटली फास्टर ओपन किया है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन फिर भी ओपन तो गया। अगेन दोनों आइडेंटिकल हैं। इसके बाद हम ओपन कर लेते हैं एक्स, अगेन 26 स्लाइटली फास्टर है। इसके बाद हम एक टेस्ट करेंगे जो कि वीडियो रेंडरिंग टेस्ट होने वाला है दोनों ही फ़ोन्स में। पहले हम एक और टेस्ट करेंगे, इस टेस्ट में हम रैम मैनेजमेंट और मेमोरी चेक करेंगे कि किसकी मेमोरी कितनी अच्छी है और कितनी फास्ट है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हम एंटूटू स्कोर ओपन कर लेंगे। अगर हम दोनों ही फ़ोन्स के एंटूटू की बात करें तो दोनों ही फ़ोन्स का मैंने एंटूटू का जो क्या कहते हैं बेंचमार्क वो किया हुआ है। यहाँ पे बहुत टाइम लगता है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, मैं एंटूटू स्कोर आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हम 826 की बात करें एंटूटू स्कोर में, तो यहाँ पे 580,000 तक का एंटूटू स्कोर प्रोवाइड करता है। और अगर हम गिग बेंच की बात करें तो 2700 तक का हमें गिग बेंच स्कोर प्रोवाइड करता है। और 3D मार्क की बात करें, 3D मार्क लाइफ एक्सट्रीम टेस्ट है, तो वो 794 स्कोर करता है और स्टेबिलिटी जो है वो 84% है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना अच्छा है। और अगर हम पिक्सल 7 की बात करें अदर हैंड, तो ये 800,000 प्लस स्कोर करता है एंटूटू पे। गिग बेंच यहाँ पे 3200 तक का स्कोर करता है। और यहाँ पे GFX बेंच मार्क हैं जो 3D मार्क हैं उनको हम कह सकते हैं। और FPS है 59% है ACS। और यहाँ पे आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कितना फास्ट है। बाकी अगर यहाँ पे एक्सट्रीम मेमोरी चेक करें तो यहाँ पे पिक्सल की है 12,000 कुछ समथिंग आ रहा है और सैमसंग 5,000 तक प्रोवाइड कर रहा है, मतलब हाफ़ डिफरेंस है दोनों में। बाकी हम यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग में अब चेक करेंगे कि एक्चुअल में हाफ़ डिफरेंस है या बस हमें शो करवाई जा रहा है ये फ़ोन, क्योंकि वीडियो रेंडरिंग में GPU का यूज़ होता है और रैम का यूज़ होता है, सो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है काम। तो अभी हम यहाँ पे चेकआउट करते हैं। दोनों ही फ़ोन में मैंने सेम वीडियो प्रोवाइड कर लिया है और दोनों में सेम सेटिंग्स की हैं ताकि कोई डिफरेंस नहीं हो। तो यहाँ पे ये वीडियो जो है मेरे से सिलेक्ट नहीं हुई, एक सेकेंड इसको क्वाइट करता हूँ, दोनों में क्वाइट करके दोबारा करते हैं, एक सेकेंड चलें। सो यहाँ पे मैंने दोनों में एक द टाइम स्टार्ट कर लिया है। तो अगर हम बात करें कि इन दोनों फ़ोन्स में आपको किसकी तरफ जाना चाहिए, अगर हम प्राइस कैटेगरी को सामने रखते हुए देखे जाएँ तो दोनों ही फ़ोन अभी प्राइस में ऑफिशियल PTA पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं 70,000 तक, दोनों ही ऑफिशियल PTA में पाकिस्तान में मिल रहे हैं 8128 वाले वेरियंट। तो यहाँ पर फ़र्क पड़ता है बैटरी में। अगर हम बात करें पिक्सल की बैटरी, तो यहाँ पर 4355 mAh की बैटरी है, 20W की फास्ट चार्जिंग है, तो लेकिन कम है यहाँ पे पाकिस्तान मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा बैटरी इसकी कम है, 6 से 7 घंटे मैक्सिमम निकालता है। अगर हम अदर हैंड टू 826 की बात करें, तो 826 5000 mAh की बैटरी तो ऑफ़र करता है, साथ में 25W की फास्ट चार्जिंग भी है और वो आराम से एक दिन तो चली जाता है, 12-13 घंटे चल जाता है। यहाँ पे पिक्सल ने जो है वो अपनी वीडियो प्रोवाइड कर दी है। सो अगर आप बैटरी कॉन्शियस बंदे नहीं हो तो आप इजीली पिक्सल 7 की तरफ जा सकते हो, इज़ अ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इससे अच्छा मोबाइल आपको नहीं मिलेगा। डिस्प्ले ऑप्टिमाइजेशन सॉफ्टवेयर्स, उसके अलावा यहाँ पे कैमरा। और अगर हम सैमसंग इकोसिस्टम में रहना चाहते हो, एक ऑफिस वाले बंदे हो, तो आप 826 की तरफ जा सकते हो आंखें बंद करके। A16 से बेहतर फ़ोन चाहिए आपको तो 826 है। मैं A16 के साथ भी एक कंपेरिजन लेके आने वाला हूँ, एक दो दिन तक अपलोड कर दूँगा, सो आप स्टे ट्यून्ड रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं आपके लिए इस तरह के और अमेजिंग जो होते हैं ना, बिल्कुल अमेजिंग जो मार्केट वैल्यू वाले फ़ोन्स होते हैं उनके साथ कंपैरिजन वगैरह करता हूं। सो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, अगर तो आपने मेरी पूरी वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि कौन सा फ़ोन बेहतर है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत तरह ख्याल रखिएगा।